हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस सेक्शन में मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी में मैं वो सारे टॉपिक्स लूंगा जो कि आपके सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैंने वो सारी की सारी चीजें करंट अफेयर के साथ अपडेट की है जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। आज किसी भी कंट्री के डिफेंस में मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मिसाइल्स एक कैरियर की तरह होते हैं, यानी कि एक वाहक की तरह होते हैं जो कि कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, यानी पारंपरिक जो विस्फोटक होते हैं या परमाणु विस्फोटक होते हैं, उनको ये अपने साथ कैरी करते हैं, उनका वहन करते हैं। और इनकी मदद से, इन मिसाइल्स की मदद से हम अपने जो दुश्मन होते हैं उनके टारगेट्स पर हमला बोलते हैं इन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव और कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव से। तो अगर हम मिसाइल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो मिसाइल का ये एक मॉडल है, और मिसाइल के इस मॉडल में एक कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये कॉनिकल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग वॉरहेड बोलते हैं, और ये जो वॉरहेड होता है इसी के अंदर हथियारों को या एक्सप्लोसिव विस्फोटकों को रखा जाता है। तो अगर हम विस्फोटक कौन कौन से एक्सप्लोसिव इस कॉनिकल शेप के वॉरहेड में रखे जा सकते हैं उनको देखें, तो वॉरहेड के अंदर अलग अलग तरीके के एक्सप्लोसिव विस्फोटक रखे जा सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, पारंपरिक, जैसे कि गन पाउडर है, गन पाउडर्स को इसके अंदर रखा जा सकता है, भर कर रखा जा सकता है। और इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव रखे जा सकते हैं, यानी परमाणु बम, साथ ही साथ हाइड्रोजन बम, इनका यूज़ किया जा सकता है, इसके अंदर रखा जा सकता है। केमिकल वेपन्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, बहुत नर्व गैसेस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उनको भी इसके अंदर रख कर किसी भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे वायरस होते हैं, उनके स्पोर्स या उनके टॉक्सिन्स, उनके जहर से को इनके वॉरहेड के अंदर रख कर हम किसी भी कंट्री पर हमला कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर ये बीमारी या वो टॉक्सिन्स चारों तरफ फैल जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस अपने दुश्मन को नुकसान पहुँचा पाएँ। तो वॉरहेड के अंदर हम अलग अलग तरीके के एक्सप्लोसिव रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सेकेंड पार्ट होता है उसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि मिसाइल कैसे कंट्रोल होगी, ये डिपेंड करता है कंट्रोल सिस्टम पर। तो कभी कभी कंट्रोल सिस्टम अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कभी कभी मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है सिर्फ हीट से, सिर्फ तापमान से, ये गाइड होती है। साथ ही साथ कभी कभी इसे लेज़र से गाइड किया जाता है, लेज़र जो रेज होती हैं उनसे कभी कभी गाइड किया जाता है, कभी कभी रडार से गाइड किया जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है जिससे इसे गाइड किया जाता है। दूसरा, कभी कभी ये जीपीएस सिस्टम से भी गाइड हो सकती हैं। तो पहला इसका पार्ट हमने देखा वॉरहेड, दूसरा पार्ट इसका कंट्रोल सिस्टम होता है, और तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग फ्यूल सिस्टम बोलते हैं। ये फ्यूल सिस्टम होता है, फ्यूल सिस्टम से ही हम इसे प्रोजेक्टाइल देते हैं, एक कह सकते हैं कि इसे गति देते हैं, इसको बूस्ट देते हैं। फ्यूल सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके के फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, कभी सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है, कभी लिक्विड फ्यूल किया जाता है यूज़ किया जाता है, कभी कभी क्रायोजेनिक फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर लंबी दूरी तक मार नहीं करनी है, बहुत छोटी दूरी तक अगर हमें इस मिसाइल को भेजना है, तो हम सिर्फ एक स्टेज, यानी कि बहुत ही सिंपल सा एक स्टेज में फ्यूल को भरकर और इस हमला कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी मिसाइल्स होती हैं जिनको बहुत कम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, उनमें सिर्फ एक स्टेज में एक स्टेज के इंजन को यूज़ किया जाता है, उसके अंदर एक तरीके का एक ही बार में फ्यूल को भर दिया जाता है, वो एक बार में ब्लास्ट ऑफ होती हैं और अपने लक्ष्य तक जाकर अटैक कर देती हैं। तो ऐसे जो फ्यूल सिस्टम होता है उसे हम वन स्टेज फ्यूल सिस्टम बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें लंबी दूरी तय करनी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम
दो बार बूस्ट देने के लिए, दो बार ऊर्जा देने के लिए हम दो भागों में बांट देते हैं, फ्यूल सिस्टम को दो भागों में बांट देते हैं। एक बार ब्लास्ट होता है, दोबारा दूसरी बार ब्लास्ट होता है और फिर उसके बाद ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि कभी कभी बहुत लंबी दूरी हमें भेजना है, बहुत लंबी दूरी पर भेजना है, 5000, 10000, 8000 यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भेजना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार हमें बूस्ट करना पड़ता है और कई बार बूस्ट करने के लिए हमें जो इंजन्स होते हैं वो अलग अलग करने होते हैं, जिससे कि समय समय पर इनको बूस्ट किया जा सके और इसमें बहुत सारा फ्यूल भरकर हम उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो फ्यूल सिस्टम के अंदर फ्यूल यूज़ होता है, ये तीन तरीके का होता है। एक सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो HTPB है, ये केमिकल है जो बहुत ही अच्छा सॉलिड फ्यूल माना जाता है, जिसे हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन कहते हैं। दूसरा लिक्विड फ्यूल कभी कभी यूज़ किया जाता है, लिक्विड फ्यूल में जो मेनली केमिकल यूज़ होता है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्राजाइन। और कभी कभी हम इन फ्यूल सिस्टम के अंदर क्रायोजेनिक्स सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें लाइट लिक्विड हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडाइजर यूज़ किया जाता है, ऑक्सीकारक की तरह उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी की पूरी मिसाइल के अंदर सिर्फ सॉलिड फ्यूल का यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई स्टेजेस में मिसाइल होती है, कई बूस्ट देने के लिए हम सॉलिड और लिक्विड दोनों का यूज़ कर लेते हैं। एक स्टेज में हमने मान लीजिए सॉलिड का यूज़ कर लिया तो सेकेंड स्टेज में हम लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी हम लोग सॉलिड का यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में लिक्विड का यूज़ करते हैं और थर्ड स्टेज में फिर सॉलिड का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये मिक्स तरीका भी उपयोग में ला सकते हैं और साथ ही साथ एक तरीका यानी एक ही फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम मिसाइल के टाइप्स की बात करेंगे, मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं। तो मिसाइल्स के अगर टाइप्स इनके प्रोजेक्टाइल के बेस पर अगर देखा जाए, इनके मूवमेंट के बेस पर देखा जाए, तो ये तीन टाइप की हो सकती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और कन्वेंशनल मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं, यानी इनको बूस्ट किया जाता है इंजन से यानी फ्यूल से, जो फ्यूल्स के अंदर भरे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड सॉलिड या सॉलिड सिर्फ सॉलिड या सिर्फ लिक्विड, इंजन को से इनको बूस्ट किया जाता है। बूस्ट करने पर ये एक लक्ष्य तक पहुँच जाती हैं, एक ऊँचाई तक पहुँच जाती हैं और उसके बाद ऊंचाई पर जाने के बाद ये ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर ज़मीन पर गिरती हैं। जैसे ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि सबसे अगर आप बॉल फेंकते हैं, बॉल को लें और बॉल को अगर आसमान में फेंकें तो पहले आपको एक पावर लगानी पड़ती है, एक बूस्ट देना पड़ता है गेंद को, जिससे कि वो एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और जब वो एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है उसके बाद गेंद अपने आप ज़मीन पर गिरती है। तो इसी तरीके से मिसाइल्स के अंदर होता है, मिसाइल्स को बूस्ट दिया जाता है इन अलग अलग फ्यूल से। तो मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर थ्री स्टेज मिसाइल्स को बनाया है, तो थ्री स्टेज मिसाइल्स को अगर समझें तो पहले में हम क्या करते हैं कि मिसाइल को बूस्ट देते हैं, यानी कि इसको पुश देते हैं जिससे कि ये धरती को छोड़कर ऊपर की तरफ जाती है, एक हाइट तक पहुँच जाती है। जब एक हाइट तक पहुँच जाती है तो इसके जो फर्स्ट स्टेज फ्यूल होता है वो पूरी तरीके से बर्न हो चुका रहता है और उसका जिसके अंदर फ्यूल भरा होता है वो पार्ट अब हमारे लिए बेकार हो चुका होता है, वो मिसाइल से अलग होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर सेकेंड स्टेज इंजन बर्न होता है, सेकेंड स्टेज इंजन जब बर्न होता है चाहे वो लिक्विड का हो या सॉलिड का हो, ये बर्न होकर इस मिसाइल को और ऊंचाई पर ले जाता है और जब इसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये ज़मीन पर ये पार्ट नीचे गिर पड़ता है। फिर थर्ड स्टेज इंजन बर्न होता है और फिर इसे और धक्का देता है, इसे और पुश देता है जिससे कि एक और ऊंचाई पर पहुंच जाती है। फिर फाइनली थर्ड स्टेज इंजन का जो वेस्ट पार्ट है या जिसके अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है वो ज़मीन पर वापस गिर पड़ता है। अब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, आपका वॉरहेड, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के हथियार या एक्सप्लोजिव विस्फोटक रखे गए हैं। अब ये विस्फोटक एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है और उसके बाद ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर ज़मीन पर गिरता है, जैसे कि बॉल ऊपर पहुंच गई और फिर बॉल वापस आना
अर्थ पर वापस आना शुरू कर देती है। तो उसी तरीके से ये वॉरहेड ज़मीन पर नीचे गिरने लगते हैं। अगर कई वॉरहेड्स हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वॉरहेड्स गिरकर वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं, वहाँ पर विस्फोट करते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हों चाहे वो कन्वेंशनल वेपन्स हों, और वो ब्लास्ट करके अपने लक्ष्य को भेद देते हैं, वो अपने टारगेट को अचीव कर देते हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का काम करने का तरीका था। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन पर बात करें तो क्लासिफिकेशन में इनको जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो इनकी रेंज है, रेंज इनका बेस है, यानी कि कितनी दूरी पर मिसाइल को भेजा जाएगा इसी बेस पर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी इसके अंदर आती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि बहुत छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिन्हें SRBM भी कहते हैं। ये 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के लक्ष्य तक जाती हैं, दूरी तय कर सकती हैं, यानी अगर कोई भी कंट्री 1000 किलोमीटर आपसे दूर है तो वहाँ तक के लक्ष्य को, वहाँ तक के टारगेट को ये अचीव कर सकती हैं, वहाँ पर ये अपने बॉम्ब्स को, अपने एक्सप्लोजिव को गिरा सकती हैं। तो इस तरीके के की जो मिसाइल्स हैं उसमें हमारे इंडिया के पास पृथ्वी 1 है, जो कि 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये सिंगल स्टेज लिक्विड से चलती है। मैंने आपको बताया था, यानी कि सिर्फ एक फ्यूल सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है और उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया गया है वो लिक्विड फ्यूल यूज़ किया गया है। दूसरा पृथ्वी 2 है। पृथ्वी 2 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की है, 350 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है पृथ्वी 3, और ये जो पृथ्वी 3 है इसकी जो रेंज है 350 टू 600 किलोमीटर की रेंज है, ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है। फिर उसके बाद प्रहार है, प्रहार 150 किलोमीटर की रेंज है। एक्चुअली प्रहार और प्रगति एक ही रेंज और एक ही पेलोड और एक ही तरीके की मिसाइल्स हैं। प्रगति सिर्फ इस वजह से हमने नाम अलग कर दिया है, साइंटिस्टों ने नाम अलग कर दिया है, क्योंकि प्रगति एक्सपोर्ट वर्जन है, प्रहार का ही एक्सपोर्ट वर्जन है, यानी ये हम अपने देश में यूज़ करेंगे, और प्रगति अगर किसी कंट्री को ज़रूरत हुई और वो हमसे डिमांड करता है तो हम प्रगति के नाम से प्रहार को दूसरे विदेश में ले जाकर बेचने का काम करेंगे, उन्हें हम इसे देंगे। नेक्स्ट इसी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में अग्नि 1 है, जिसकी रेंज 750 से 1250 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। इसको नवंबर 2016 में टेस्ट किया गया था, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। फिर इसके बाद एक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास है, जिसको धनुष के नाम से जाना जाता है। धनुष एक्चुअली नेवल वर्जन है, यानी कि इसे वॉरशिप्स में लगाया जाता है, पानी के जो हमारे जहाजी बेड़े हैं उनमें लगाया जाता है, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर की मौजूद है। तो इस तरीके से ये SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दूसरी कैटेगरी होती है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर होती है। इस कैटेगरी में अग्नि 2 आता है। अग्नि 2 की जो पेलोड है, यानी 750 से लेकर 1000 किलोग्राम के ये वॉरहेड्स को ले जा सकती है, और इसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर की होती है, और 2.5 स्टेज सॉलिड इंजन से ये चलती है। इंटरमीडिएट रेंज की बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर के करीब होती है। इस कैटेगरी के अंदर अग्नि 3 आती है। अग्नि 3 2500 के वॉरहेड्स को ले जा किलोग्राम के वॉरहेड्स को ले जा सकती है, और इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर की होती है। 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। और इस अग्नि 3 एक ऐसी मिसाइल थी जो पहली हमारी वर्ल्ड हमारी इंडिया की मिसाइल है जो न्यूक्लियर इनेबल्ड रही, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने साथ ले जा सकती थी। उसके बाद बहुत सारी मिसाइल्स हमारे पास बन गई, लेकिन ये पहली मिसाइल थी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को अपने साथ कैरी कर सकती है। अग्नि 4 इसी IRBM के अंतर्गत आती है, और इसकी जो रेंज है वो 3000 से 4000 किलोमीटर के करीब है, और इसको अभी जनवरी 2017 में टेस्ट फायर किया गया था, जो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है।
अब नेक्स्ट कैटेगरी इसकी आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जिसकी रेंज अबव 5000 किलोमीटर होती है, यानी 5000 से ऊपर अगर रेंज होती है तो उसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी जो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट हमला कर सके, यानी महाद्वीप से महाद्वीप हमला कर सके। तो ये जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 5000 से ऊपर होती है, 6000, 7000, 10000, 12000 किलोमीटर की रेंज होती है। इस कैटेगरी में हमारे पास अग्नि 5 है, जो 1500 किलोग्राम के वॉरहेड को, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स या कन्वेंशनल वेपन्स को 5000 से 8000 किलोमीटर तक की रेंज में ले जाकर हमला कर सकती है। थ्री स्टेज सॉलिड इंजन से चलती है, इसको 2017 में इंडक्ट करने की संभावना है, यानी कि इसको शामिल कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ है, इसको दिसंबर 2016 में इसको टेस्ट फायर किया गया अग्नि 5 को, और ये पूरी तरीके से सफल रहा है। अग्नि 6 प्रोजेक्टेड है, अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन अग्नि 6 प्रोजेक्टेड है, जिसकी जो रेंज होगी वो 10000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, और ये अंडर डेवलपमेंट है अभी, ये किसी भी तरीके से इसके किसी भी टेस्ट को नहीं किया गया है, तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की SRBM, साथ ही साथ MRBM और ICBM, इन सब कैटेगरी के जानने के बाद हम लोग एक नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं सब बैलिस्टिक मिसाइल के, जिन्हें हम सब मरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, SLBM के नाम से जानते हैं। सब मरीन लॉन्च यानी कि इन्हें पनडुब्बियों से छोड़ा जाता है। पनडुब्बी एक पानी में रहने वाली वेसल्स हैं, जो कि हमारे हमला करने के ये नेवल वेसल्स होती हैं, पानी के अंदर रहती हैं और यहाँ पर कई तरीके के हथियारों को अपने साथ रखती हैं और दुश्मनों पर हमला करने का काम करती हैं। तो पनडुब्बियों से पनडुब्बियों में जो फिट की जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल्स, उस कैटेगरी में K-15 आती है, जिसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर की है। ये प्रोडक्शन की सीरीज में है, यानी कि इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको अभी तैनात नहीं किया गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन स्टार्ट है और बहुत जल्दी इसको हमारी पनडुब्बियों में तैनात किया जाएगा, उनको वहाँ पर फिक्स किया जाएगा, जिससे कि हम लोगों की जो प्रोटेक्शन है वो और भी मजबूत हो पाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है K-4 की कैटेगरी आती है, जिसकी रेंज 3500 है, यानी ये अग्नि 3 की बराबरी करती है। ये अभी अंडर ट्रायल है और अभी इसको अभी ट्राई किया जा रहा है, इसके टेस्ट चल रहे हैं, अगर ये अभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, इसे अंडर ट्रायल में डाला गया है। क्रूज मिसाइल ये दूसरे टाइप की मिसाइल्स होती हैं, जो कि अनमैन्ड एयर व्हीकल की तरह होती हैं, मानव रहित विमान की तरह होती हैं। इस मानव रहित विमान जैसी मिसाइल के अंदर वॉरहेड को फिट कर दिया जाता है, और ये वॉरहेड चाहे कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, पारंपरिक भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, और ये अपने लक्ष्य से टकराकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, टारगेट को पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्रूज मिसाइल के बारे में बात करूं, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरीके से इनको बूस्ट करके एक हाइट तक पहुंचाना नहीं होता, जैसा कि हम लोग कर रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल में, कि एक हाइट तक पहुंचा रहे थे, फिर ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही थी और ग्रेविटी के अट्रैक्शन से वो नीचे गिर के ब्लास्ट कर रहे थे, ऐसा इसके साथ नहीं होता। क्रूज मिसाइल्स को पूरे वक्त में, जैसे कि एक फाइटर प्लेन को पूरे वक्त तक उसकी इंजन काम करते हैं जब तक कि वो ज़मीन पर ना उतर जाए, उसी तरीके से ये क्रूज मिसाइल्स जब तक अपने लक्ष्यों से टकरा नहीं जाती, तब तक इनके अंदर इंजन्स होते हैं जिनके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल भरा होता है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल भरा होता है, और उस तब तक ये इंजन काम करता रहता है, और अपनी जब तक ये लक्ष्य से ना टकरा जाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो ये जब कहीं से उड़ान इन्हें कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, इन्हें एयर से भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि किसी फाइटर प्लेन से छोड़ा जा सकता है इन मिसाइल्स को, इनको ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है, सरफेस से भी छोड़ा जा सकता है, इन्हें नेवल शिप्स जो होती हैं, जो हमारे पास शिप्स होती हैं, उनसे भी इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो जहाँ से भी इन्हें छोड़ा जाता है, ये धीरे धीरे मूव करते हैं और बहुत ही कम हाइट पर ये उड़ान भरते हैं, और कम हाइट पर उड़ान भरते भरते ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर ये GPS से गाइडेड होते हैं, और फिर अपने लक्ष्य को तक जब पहुँचते हैं तो उस पर ये टकरा कर और ब्लास्ट करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट इनका होता है, यही बेसिक डिफरेंस है क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में, कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक हाइट पर देने के बाद वो फिर वापस ज़मीन पर गिरकर ब्लास्ट करती है, और ये एक विमान के तरीके से मूव करते हैं और अपने लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट करते हैं। तो ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनको जो डिफरेंशिएट किया जाता है, जो इनको वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक स्पीड। मैक स्पीड क्या होती है, अगर किसी भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अगर 332 मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाती है, जो कि एयर में ये स्पीड होती है इसकी, तो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैक स्पीड। मैक स्पीड, तो अगर कोई भी चीज़ 332 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उड़ान भर रही है तो हम बोलते हैं ये 1 मैक से उड़ान भर रही है। अगर इसकी डबल कर रही है तो 2 मैक, अगर इससे ट्रिपल कर रही है तो 3 मैक, और अगर इस स्पीड से कम की स्पीड से उड़ान भर रही है तो वो उसे हम लोग बोलते हैं सबसोनिक ऑब्जेक्ट। वो होते हैं जो कि 1 मैक से कम स्पीड से उड़ान भरते हैं, उन्हें सबसोनिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्रूज मिसाइल्स को इन्हीं बेस पर मैक स्पीड पर डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स वो क्रूज मिसाइल्स होती हैं जो कि 1 मैक की स्पीड यानी कि हवा में जो आपकी साउंड की आवाज़ की जो गति होती है उससे कम में उड़ान भरती हैं, तो उन्हें हम सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स कहते हैं। और ये जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं इसमें हमारे पास जो मौजूद है वो निर्भया है। निर्भया इसे शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से भी, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि निर्भया को कई बार टेस्ट किया जा चुका है। लास्ट टाइम इसे दिसंबर 2016 में टेस्ट किया गया था और इसके मैक्सिमम जो टेस्ट हुए हैं वो फेल हो चुके हैं। तो इसके प्रोजेक्ट को बंद करने पर भी बात चल रही है, लेकिन अब ये फ्यूचर की बात है। तो ओवरऑल इसके टेस्ट बहुत ही सफल नहीं हुए हैं। तो अब दूसरी कैटेगरी इसमें आती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की। अगर 1 मैक से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक से 5 मैक तक होती है, 1 मैक से 5 मैक तक होती है, तो उसे हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे क्रूज मिसाइल्स जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं, यानी जिनकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच में होती है, तो उसे हम लोग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मौजूद है वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस और ये शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और लैंड से ये लॉन्च की जा सकती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्रह्मोस जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल्स में से एक है, जिसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है। रेंज इन मिसाइल्स की हमेशा याद रखें, क्रूज मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो कम ही होती है, क्योंकि इनको कई तरीकों से लॉन्च किया जाता है, तो रेंज इनकी कम होती है। लेकिन इनके इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, क्योंकि ये बहुत ही कम हाइट पे उड़ान भरती हैं, तो कम हाइट पर उड़ान भरती हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये रडार्स की पकड़ में नहीं आती। तो रडार्स की अगर ये पकड़ में नहीं आती तो इन पर इनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि दुश्मन इनसे बचने का कोई भी उपाय नहीं कर सकता और ये जाकर हमला करके और अपने दुश्मन के लक्ष्य को, उनके जो टारगेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आती। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहा था, तो ब्रह्मोस सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है हमारे पास, और जो 2090 किलोमीटर की रेंज है और इसकी स्पीड मैक से 2-3 है, यानी 2-3 मैक की स्पीड से ये उड़ान भरती है। थर्ड स्टेज में, और इसका जो टेस्ट किया गया है अभी मार्च 2017 में किया गया है, और ये जितने भी टेस्ट इसके रहे हैं वो पूरी तरीके से सफल रहे हैं। थर्ड इसमें कैटेगरी आती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। तो हाइपरसोनिक क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 5 मैक की स्पीड से ज़्यादा की से उड़ान भरता है, उसकी गति से ज़्यादा होती है उसकी गति, तो उसे हम हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर रही है तो उसे हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कहते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास ब्रह्मोस 2 है, ब्रह्मोस 2 जो जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, और ये भी दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल्स में एक है।
अब थर्ड कैटेगरी आती है मिसाइल्स की, जिसे हम कन्वेंशनल मिसाइल्स बोलते हैं। कन्वेंशनल मिसाइल्स कोई ऐसे कन्वेंशनल मिसाइल्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की मिसाइल्स होती हैं जिनको हम बहुत ही कम दूरी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इनकी आकाश है, अस्त्र है, नाग है, इनकी रेंज बहुत कम होती है और इन्हें मैक्सिमम बैटल फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है। कहीं पर लड़ाई हो रही होती है तो छोटे छोटे लक्ष्यों को, छोटे छोटे टारगेट्स को भेदने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये जहाज़ों में फिट की जाती हैं, जैसे कि आकाश अस्त्र है जो कि एयर टू एयर यानी जहाज़ों में फिट की जाती है और हवा से हवा में मार करती है, यानी जहाज़ में फिट करके आप किसी दूसरी जहाज़ को गिरा सकते हैं। ये 15 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है, 80 किलोमीटर के रेंज में ये किसी भी जहाज़ को मार गिराने की क्षमता रखती है, अस्त्र है। दूसरी है आकाश, जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि अगर ये अगर कोई भी दुश्मन का जहाज़ आपकी बाउंड्री के अंदर आ जाता है तो आकाश की मदद से ये 30 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुश्मन के जहाज़ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। नेक्स्ट है नाग। नाग एक एंटी कह सकते हैं कि टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल जिसे बोल सकते हैं। ये टैंक्स को बैटलफील्ड में डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं और इसकी जो रेंज होती है वो 4 किलोमीटर की होती है। वॉरहेड 8 किलोग्राम के वॉरहेड को ये अपने साथ ले जा सकता है। तो ये कन्वेंशनल मिसाइल्स होती हैं जिनको छोटे लक्ष्यों को भेदने के लिए, स्मॉल टारगेट्स को अचीव करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये मिसाइल को डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जाता है, यानी अगर मिसाइल्स कहीं पर अटैक कर रही हैं तो हम कैसे मिसाइल से बच सकते हैं। तो मिसाइल्स के अटैक से बचने के लिए हम जिस डिफेंस सिस्टम का यूज़ करते हैं उसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, MDS टेक्नोलॉजी कही जाती है। और इसमें जो मिसाइल्स यूज़ होती हैं इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, उन्हें इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं। तो इस तरीके से भारत भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। तो इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में याद रखिए कि 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसमें एक स्पेशल रडार का यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम अवाकस है, AWACS है, जो कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि कम से कम आपके बैटलफील्ड के काफ़ी बड़े एरिया 500 से लेकर 1000 किलोमीटर के एरिया में किसी भी अटैक को पहले से ही बता सकता है कि आप पर अटैक हो रहा है। और एक दूसरा इसमें स्पेशल रडार यूज़ किया जाता है, LRTR रडार, लॉन्ग रेंजिंग ट्रैकिंग रडार यूज़ किया जाता है, जो कि 1000 से 1500 किलोमीटर में किसी भी मिसाइल को ट्रेस कर सकता है, उसे फॉलो कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर सकता है। तो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होता क्या है कि जैसे किसी दुश्मन ने मिसाइल को लॉन्च किया, इस मिसाइल के लॉन्च को अवाकस पकड़ लेगा और अवाकस इस इंफॉर्मेशन को LRTR रडार को भेजेगा। LRTR रडार फिर उस मिसाइल को फॉलो करेगी और फिर यहाँ से एक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और ये इंटरसेप्टर मिसाइल इस LRTR रडार के निर्देशन से, उसके डायरेक्शन से उस दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करेगी और उसको हवा में ही मार गिराएगी। तो इस तरीके से LRTR और अवाकस सिस्टम की मदद से हम मिसाइल को हवा में ही मार गिराएंगे, जिससे कि किसी भी तरीके के फर्दर जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनसे बचा जा सके, पृथ्वी पर मतलब हमारे जो कंट्री पर हो रहे हमले से बचा जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि इसका जो यूज़ किया जाता है डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो यूज़ किया जाता है वो मिड एयर फेज़ में, यानी कि हवा में रहते ही इसे उड़ाना होता है। अगर ये ज़मीन बहुत करीब धरती के पहुंच गया तब अगर आप इस पर ब्लास्ट करते हैं तो ये आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसके जितने भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होंगे वो आपके ही ऊपर गिर जाएंगे, जिससे कि आपकी मिसाइल भी ब्लास्ट करेगी, दुश्मन की भी मिसाइल ब्लास्ट करेगी, दोनों मिसाइल के
ब्लास्ट करने की वजह से डबल डिस्ट्रक्शन आपको हो सकता है। तो इसे मिड एयर फेज में भी ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो तरीके का डिफेंस सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। एक है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे प्रद्युम्न एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है। ये हवा में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी मिसाइल को नष्ट करने की ताकत रखता है और ये लॉन्ग रेंजिंग ट्रैकिंग रडार की मदद से ये काम कर पाता है। तो अगर एग्जो एटमॉस्फियर यानी कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को हवा में ही गिरा देगा तो इसे हम बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है। एडवांस एयर डिफेंस या अश्विन एयर डिफेंस दूसरे तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर अगर मिसाइल बहुत करीब आ चुकी है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है यानी कि इंडो एटमॉस्फेयर में आ चुकी है, तो इंडो एटमॉस्फेयर में अगर वो आ चुकी है तब अगर उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो उस के लिए हमने एडवांस एयर डिफेंस या अश्विन एयर डिफेंस को डेवलप किया है। इसमें मिसाइल्स के अंदर खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा, एडवांस कंप्यूटर होगा और ये LRTR रडार की बहुत ही कम मदद के से ये अपने लक्ष्य को भेज सकती है। तो एडवांस एयर डिफेंस सिर्फ 30 किलोमीटर की बहुत ही कम दूरी के लक्ष्य दूरी पर अपने लक्ष्य को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखती है। जिस रडार का यूज़ अभी LRTR के नाम से हम जान रहे हैं, LRTR हम बोल रहे हैं, LRTR को भारत में सोर्ड फिश रडार के नाम से जाना जा रहा है और इसराइल से क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को हमने लिया है तो इसे ग्रीन पाइन रडार के नाम से इसराइल में जाना जाता है। इसराइल में ग्रीन पाइन रडार के नाम से जाना जाता है। अब हम ज़रा देखते हैं इन मिसाइल्स के बारे में। हम लोगों ने जानकारी ले ली कि मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, कन्वेंशनल मिसाइल्स क्या होती हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में इसके बाद हम लोग जानते हैं कि मिसाइल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, मिसाइल्स कैसे कहाँ कहाँ पर इन पर रिसर्च होता है, कैसे ये टेस्ट की जाती हैं, कहाँ कहाँ पर टेस्ट की जाती हैं, इस पर बात करते हैं। तो मिसाइल्स की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो मिसाइल का जो रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसी एक कंट्री को डिमांड होती है उसी तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है, मिसाइल्स को डेवलप किया जाता है और ये काम भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में होता है, DRDL हैदराबाद में होता है जो DRDO के अंतर्गत आती है। तो DRDL के अंदर ये रिसर्च किया जाता है कि कैसे मिसाइल को बनाया जाए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफेंस में इसका यूज़ कर पाएँ। तो DRDO इस पर रिसर्च करती है और मिसाइल्स के मॉडल्स तैयार करती है, फिर इसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड में इसका टेस्ट किया जाता है। पहले ये बीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था जो कि ओडिशा कोस्ट के 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कई बार इसको टेस्ट किया जाता है मिसाइल्स को कि क्या वाकई में ये हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। तो एक मिसाइल को डेवलप रिसर्च करके डेवलप करने के बाद उसे कई बार टेस्ट किया जाता है। जब पूरी तरीके से हम टेस्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये मिसाइल हमारे काम की है तो हम इसको प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए भेज देते हैं और ये प्रोडक्शन जो होता है वो भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL हैदराबाद की कई इकाइयाँ हैं, कई इनकी यूनिट्स हैं, उनमें ये प्रोडक्शन होता है और फिर ये सेना को दे दी जाती हैं या आर्मी को दे दी जाती हैं जहाँ पर इनका उपयोग देश की रक्षा के लिए होता है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें मिली जानकारी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के बहुत काम आएगी। अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हैं, किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसे लिखना ना भूलें और खूब पढ़ें, मेहनत करें और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस रहें कि जीत सिर्फ आपकी होगी।